आपके हर एक समस्या का समाधान संविधान में है, तो आप कहीं भूल तो नहीं जाएंगे? किसको? अपने महापुरुषों को, समस्त महापुरुषों को, समस्त महापुरुषों को एक साथ व्यवस्थित सम्मानित ढंग से इस संविधान में स्थापित करके ये संविधान बना है। ये संविधान और कुछ नहीं, समस्त महापुरुषों के द्वारा किया गया संघर्ष अलग अलग समय में अलग अलग विषय पर अलग अलग तरीका से जो संघर्ष किया गया उसी को सबको एक साथ जोड़ करके तो भारत का संविधान लिखा गया। सारे संसार के सबसे अच्छा संविधान के हीरक जयंती के अवसर पर उपस्थित समस्त भारतवासियों, आज हम संविधान की हीरक जयंती मना रहे हैं। हीरक जयंती 75वें साल में आती है। इसके पहले स्वर्ण जयंती भी हुई और उसके पहले 25वें साल में रजत जयंती हुई। मनाया नहीं मनाया आपने, देश ने, आप जाने। तो संविधान के प्रति एक शोधपूर्ण विचार, एक शोधपूर्ण विचार को मैं आप लोगों के समक्ष रखने के लिए आया हूँ। विगत 20 वर्षों से संविधान को मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जो समझ में आता है वो बात मैं शेयर करते आता हूँ। संविधान, भारत का संविधान जब 26 नवंबर 1949 को मंजूर हुआ देश में और 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ, उस वक़्त, उस दशक में, 1950 के दशक में दो बातें कही गई पूरे संसार में, दो बातें बढ़ चढ़ के कही गई। नंबर एक, यह जो भारत का संविधान अभी अभी बना है, 26 नवंबर 1949 को मंजूर हुआ है, वह संविधान दुनिया का श्रेष्ठ संविधान है। दुनिया के हर एक देश में अपना अपने देश का संविधान है, हमारा संविधान पूरे संसार का सबसे अच्छा संविधान है। और दूसरी बात ये कही गई कि इस संविधान को जिसने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर ने, वो संविधान के जनक है, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लिखा एक संविधान उन्होंने, केवल भारत का संविधान लिखा, दुनिया भर के संविधान नहीं लिखे, लेकिन एक ही संविधान लिखने से सारे संसार में उनको संविधान का बाप या संविधान का जनक कहा गया। तो कोई खासियत होगी, संविधान में भी खासियत होगी, अंबेडकर में भी खासियत होगी। अभी वो बच्ची बता रही थी कि 32 डिग्रियां थी, कब? 1956 के पहले अंबेडकर साहब के पास। आज तो फर्जी डिग्री मिला करके भी उतना नहीं है आपके पास। हकीकत की बात तो दूर। तो दुनिया के नंबर एक के विद्वान ने संविधान लिखा और दुनिया का श्रेष्ठ संविधान लिखा, उस संविधान के साथ आप 75 वर्षों का सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे लगना चाहिए कि श्रेष्ठ संविधान के साथ आप सफ़र कर रहे हैं, आपको एहसास होना चाहिए। अब पर मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, पता चलता है कि संविधान को तो अभी भी पढ़ा नहीं आपने। यहाँ उपस्थित तमाम
भारतवासियों से मैं जानना चाहता हूँ कि जिस किसी ने संविधान को कम से कम एक बार पूरा पढ़ लिया है, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे, उंगली खड़ा कर दीजिए, हाथ नहीं करते हैं कोई बात नहीं। जिन्होंने एक बार पूरा संविधान को पढ़ लिया है, मेरी नज़र कमज़ोर है, नहीं तो नज़र ठीक होती तो शायद मैं कह पाता कि सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया। नज़र कमज़ोर है इसलिए दो ही चार हाथ में देख पाया, मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो अच्छा हुआ मेरा नज़र कमज़ोर है, नहीं तो मैं अम्बेडकर साहब को क्या जवाब देता? तो साथियों, छोटा सा एक सवाल और करूंगा मैं। कम से कम सपने में जिन्होंने संविधान को एक बार पढ़ लिया है वो लोग हाथ खड़ा करें। ये क्या देख पा रहा हूं सपने में? सपने में भी नहीं पढ़े हम लोगों ने। दुनिया का श्रेष्ठ संविधान, दुनिया के नंबर एक के विद्वान ने जिस संविधान में लिखा है, जिस संविधान की वजह से आप इस मुकाम पे बैठे हैं, जिस संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मैं बात कर रहा हूँ, जिस संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत मैं वकालत का व्यवसाय करता हूँ, जिस संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आप नौकरी करते हैं, जिस संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत हमारे इंजीनियर साहब आए थे, जिस संविधान के अनुच्छेद 21(क) के तहत आप शिक्षित हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, जिस संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत आपको अधिकार है, आप सम्मान पाते हैं, देश भर में भ्रमण करते हैं, जिस संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत आप वोट देते हैं, किसी को चुन के भेजते हैं संसद में, विधानसभा में, उस संविधान को आपने एक बार भी नहीं पढ़ा, सपनों में भी नहीं पढ़ा, इसको आपका गुण कहें कि क्या कहें? तो मैं आप लोगों को उस संविधान के बारे में कुछ बताने आया हूं। वो संविधान क्या है? नंबर एक, ये भारत का संविधान है। इसी संविधान से देश चलता है, देश का संचालन होता है, इसी संविधान से देश की सरकारें संचालित होती है, इस संविधान से देश के सभी रीति नीति प्रथा परंपरा विधि विधान कानून कायदा सब संचालित होते हैं। इसी संविधान के मुताबिक आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। इसी संविधान की देन है कि आप सम्मान पूर्वक जीवन जी सकते हैं और माँ के गर्भ में आने के पहले भी आप सम्मान पूर्वक रह सकते हैं और मृत्यु हो जाने के बाद भी आप सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार पा सकते हैं। वो इसी संविधान का देन है। इसी संविधान का देन है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इधर बनते हैं, इधर नहीं। तो ये वो संविधान है जिस संविधान की वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है, जिस संविधान में सबको न्याय देने का प्रबंध है अनुच्छेद 39(क), जिस संविधान ने सबको बोलने का अधिकार दिया है अनुच्छेद 19, जिस संविधान ने सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है अनुच्छेद 21(क), जिस संविधान ने सबको बराबरी का अवसर दिया है, किसी भी क्षेत्र में आपको समान अवसर प्राप्त है कि आप आगे बढ़ सकते हैं अनुच्छेद 14, जिस संविधान में आपको उचित प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार दिया है अनुच्छेद 16(4), तो ये सारा के सारा अधिकार जिस संविधान से मिलता है वो यही संविधान है। इसी संविधान को अंबेडकर जी ने लिखा था। कोई बताएंगे कि संविधान को लिखने में कितना समय लगाया? कोई छात्र में से कोई अगर बताना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें। भारत के संविधान को लिखने में कितना समय लगा? छात्रों में से कोई हाथ खड़ा करें। आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, इधर आ जाओ। 2 साल 11 महीने और 18। बहुत सुंदर। आपका शुभ नाम? आपको ये पेन देते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को सबके दिमाग में लिख जाइए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।
तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जिस संविधान को लिखा गया था यही वो संविधान है। तो इस संविधान में क्या है, कुछ कुछ बातें आपको बताऊंगा। नंबर एक, ये संविधान सर्वोच्च नियमावली है। सर्वोच्च नियमावली सबसे ऊपर का नियम, किससे ऊपर? संसद से ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर, धर्म गुरु से भी ऊपर, धर्म ग्रंथों से भी ऊपर, राष्ट्रपति से भी ऊपर, प्रधानमंत्री से बहुत ऊपर, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है संविधान। संविधान क्या है? सर्वोच्च नियमावली है। ऐसा नियम है देश के समस्त कानून कायदा रीति रिवाज प्रथा परंपरा विधि विधान सबसे ऊपर है, ऐसा नियम है संविधान। आप जानते हैं जब संविधान की संरचना हुई 26 नवंबर 1949 के दिन, ये संविधान ने क्या किया? कुछ नहीं किया उस दिन, कुछ नहीं किया संविधान ने। लेकिन 26 जनवरी 1950 के दिन जो किया सारा संसार याद रखता है। उस दिन क्या किया? उस दिन संविधान ने दो काम किया, उस दिन संविधान ने दो काम किया। नंबर एक, आज से पहले संविधान लागू होने, 26 जनवरी 1950 के पहले, कितना पहले, जितना भी पीछे चले जाओ आप, 2000, 4000, 5000, 10000 साल पहले चले जाओ आप, उतने में भी यदि कोई नियम कानून कायदा विधि विधान रीति रिवाज प्रथा परंपरा जो चले आ रहा है यदि मेरे खिलाफ है तो वो शून्य, यदि वो मेरे खिलाफ है तो वो शून्य। ये काम किया 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान ने, पहला काम किया। ये मामूली सा काम है। जो संविधान के खिलाफ चले आने वाला, हजारों साल से चले आने वाला रीति नीति प्रथा परंपरा विधि विधान कानून कायदा सब को खारिज कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। और दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम ये किया कि आज के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद मेरे खिलाफ जाने वाला कोई भी नीति नियम कानून कायदा विधि विधान रीति रिवाज प्रथा परंपरा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, पसंद नहीं आई बात? ये संविधान का आदेश है। पर आप जानते नहीं संविधान के खिलाफ कौन सी बात जा रही है, आपको पता नहीं संविधान के समर्थन में कौन सी बात जा रही है, तो आपने क्या किया? चुप्पी साध ली है। हमें पता नहीं कौन सा काम संविधान के खिलाफ जा रहा है, कौन सा काम संविधान के पक्ष में जा रहा है, हमें पता नहीं। ये सब बैनर देख रहे हैं, यहाँ वहाँ तक बैनर लगा है, ये पूरा संविधान को परिभाषित कर रहे हैं, ये बता रहे हैं अनुच्छेद 326 में आपको क्या क्या अधिकार है। ये बैनर बता रहा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61 का में क्या है। आप लोगों ने वोट किया ईवीएम से, लेकिन ईवीएम से चुनाव कराने का कोई नियम नहीं है देश में, भारत में कोई नियम नहीं है। ईवीएम मशीन से चुनाव कराने का कोई नियम नहीं है, वो नियमावली को हमने दर्शाया है इसमें। कोई भी माई के लाल में चुनौती देता हूं, भारत का कोई भी माई के लाल ये बताए कि संविधान के अमुक अनुच्छेद के तहत या अमुक अधिनियम के तहत देश भर में ईवीएम के द्वारा चुनाव संपन्न कराया जाएगा, ऐसा कोई नियम है तो कोई बताए। आदमी छोटा, जगह भी छोटी, बात भी छोटी कर रहा हूं मैं, लेकिन जिस विषय में बोल रहा हूं संविधान के विषय में, वो बात छोटी नहीं है। इसलिए कि ये संविधान विश्व का अच्छा संविधान है तो है, ये संविधान एक अंतर्राष्ट्रीय संविधान है, ये संविधान भारत का सबसे बड़ा विषय है, ये संविधान हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, ये संविधान देश के सभी विषयों का प्रतिनिधिक विषय है, इसी से सारा विषय पैदा होता है। जो कानून, जो नीति, जो नियम
संविधान मंजूर करेगा कि ये चलेगा भारत में तो चलेगा, और संविधान अगर खारिज करेगा कि ये नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। ये मुखिया है, देश के सारे विषय का मुखिया है। अब मुखिया को छोड़ के आप कहाँ कहाँ पढ़ रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो। तो संविधान क्या है? सर्वोच्च नियमावली, सबसे ऊपर का नियम है। संविधान क्या है? सर्वोपरि, सबसे ऊपर की ताकत है। संविधान क्या है? सर्वमान्य है। 26 नवंबर 1949 के दिन हम भारत के लोगों ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। पढ़ा तो क्या किया? तीन काम किए जी। नंबर एक, इस संविधान को अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। हम भारत के लोगों ने, मैंने आपको भारत के लोगों कहा, पांडुराना वाले नहीं कहा, मैंने संबोधन में भारतवासी कहा। तो हम भारत के लोगों ने संविधान पर तीन काम किए 26 नवंबर 1949 के दिन, कि इस संविधान को अंगीकृत किए, अंग में लगाए, एडॉप्ट किए, स्वीकार किए, पहला। और दूसरा, इसको अधिनियमित किए, बनाए, संरचना किए। और तीसरा, आत्मार्पित किए, अपने आप को समर्पित कर दिए। पहले संविधान को हमने अपने में अंग में लगा लिए, अंगीकृत। दूसरा, ऐसा संविधान हमने बनाया, कैसा, जिस संविधान के समक्ष हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। ये तीन काम हमने किया 26 नवंबर 1949 के दिन। उसी दिन से हम सब लोग भारत के संविधान को मानने के लिए बाध्य हैं। आपको मानना पड़ेगा, आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कहाँ रहते हैं, कितने बड़े घर में पैदा हुए, काला है, गोरा है, कोई मतलब नहीं। आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपको भारत के संविधान को मानना आपकी मजबूरी है, बाध्यता है, मानना पड़ेगा, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। संविधान क्या है? संविधान सर्वव्यापक है, सब पर प्रभावशील है। आप किसी भी धर्म को मानते हो, कोई भी काम करते हो, फिर भी पूरे प्रभावशील है। संविधान के प्रभाव से एक भी आदमी बाहर नहीं है। और संविधान अनिवार्य है, तीन तरह से अनिवार्य है। नंबर एक, संविधान के अनुच्छेद 375, उसमें कहा है कि देश का प्रत्येक न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारी सभी संविधान के उपबंधों के अनुरूप काम करेंगे, बाध्यता है। संविधान के अनुसूची 3 में निहित संविधान के पालन करने की शपथ, उस शपथ खाने के मुताबिक आपको संविधान का पालन करना पड़ेगा। तो जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने प्रारूप में शपथ खा रखी है, और जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसको चुनाव में वोट दे के आप जिता के भेजते हो, हम सब लोग जिस किसी को प्रतिनिधि बना के यहाँ से तो भेज देते हैं, चलो भाई इसके ऊपर हमारा विश्वास है, ये आदमी ठीक करेगा, यहाँ से चुनाव जिता के भेज दिए लोकसभा में, विधानसभा में। आप जानते हैं वहाँ जाने के बाद उसका क्या होता है? वहाँ जाने के बाद ये संविधान उसको रोकता है, दरवाजे पे खड़ा कर देता है, रुको रुको रुको, अभी तो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, अभी तो कुर्सी में नहीं बैठ सकता, अभी तो कलम का उपयोग नहीं कर सकता। तो भाई मैं तो जीत के आया हूँ, लोगों ने मुझे जिता के भेजा है, तो ठीक है, लोगों का विश्वास है, तू जीत के आया है, पर मेरा विश्वास नहीं है। ये संविधान का निर्देश। संविधान कब विश्वास करता है उस पर? जब वो सबके सामने शपथ खिलाता है। देश में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंच से लेके प्रधानमंत्री के जाते तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों ने शपथ खाई है। किस बात की? संविधान का पालन करने की। मेरा कहना ये है कि तू जानता है संविधान को, संविधान पढ़ा है, तुझे सरकार ने कभी संविधान पढ़ाई है? निर्वाचन आयोग ने तुम्हें संविधान के बारे में कोई बात बताया है? टीवी रेडियो से आपने कोई बात जानी है संविधान के? कोई पिक्चर देखा है आपने संविधान के विषय में? उत्तर आता है ना।
तो तू संविधान को जानता नहीं तो पालन कैसे करेगा, ये मेरा सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं 20 साल से तलाश रहा हूँ, ये सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, बल्कि ये एक सवाल ने सैकड़ों सवाल और जन्म दे दिया। आप लोगों में से किसी के पास जवाब हो तो मुझे दीजिए कि जिन लोगों ने 1952 से शपथ खाते आ रहे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में कि मैं संविधान का पालन करूंगा, जो शपथ का प्रारूप है, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, क्या उन लोगों को संविधान की पर्याप्त जानकारी है? है तो पालन करेगा, कर सकता है, करेगा नहीं करेगा बात अलग है। अब अगर जानकारी नहीं है तो वो क्या करेगा? वो कुछ भी करे मगर पालन तो उससे नहीं हो सकता। तो साथियों, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब तक संविधान की जानकारी नहीं होगी, पर्याप्त जानकारी नहीं होगी, तब तक इसका पालन नहीं हो सकता। और जब तक संविधान का पालन नहीं होगा, तब तक संविधान में आपके लिए जो कुछ लिखा है वो आपको मिलेगा नहीं। लिखा है आज से नहीं, 75 साल से लिखा हुआ है। आप लोगों को मालूम, गरीबी दूर करने का उपाय लिखा हुआ है संविधान में। संविधान में अन्याय अत्याचार खत्म करने का उपाय लिखा हुआ है अनुच्छेद 46 में। संविधान के अनुच्छेद 15 में लिखा है कि आज से जाति भेद खत्म, धर्म भेद खत्म, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, वंश के आधार पे, न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सारे एक समान होंगे, ये संविधान में लिखा है। कब होंगे? जब संविधान का पालन होगा, उस अनुच्छेद के मुताबिक काम होगा, तब तो एक बात बनेगी। संविधान के अनुच्छेद 17 में लिखा है कि आज से छुआछूत खत्म, जो मानेगा अपराधी होगा, जेल जाएगा। गया नहीं अभी तक जेल, क्यों? पालन होगा तब तो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 39(1) में लिखा है कि देश के समस्त महिला और पुरुष को जीवन यापन का पर्याप्त साधन सरकार उपलब्ध कराएगी। करा दिया? नहीं। संविधान के अनुच्छेद 47 में लिखा है कि आज से मद्यपान, मादक पेय पदार्थ के उत्पादन राज्य नहीं करेगा, दवाई बनाने के लिए कर सकता है। मादक पेय पदार्थों का प्रयोजन दवाई के लिए हो सकता है, लेकिन नशा उत्पन्न करने के लिए, नशा के लिए उसका उपयोग नहीं हो सकता। तो राज्य का ये काम है, संविधान का निर्देश है, ये काम नहीं किया राज्य ने। राज्य ये काम करता तो क्या होता? जितने नशा उत्पादक जो कारखाने हैं, भट्टियां हैं, सब बंद हो जाती। मेरे कहने से नहीं, संविधान का निर्देश है, अनुच्छेद 47 पढ़िएगा आप। तो संविधान में हमारी सभी समस्याओं का समाधान दिया है। आप समस्या बताओ, संविधान उसका समाधान देता है। तो संविधान क्या है? सभी समस्याओं का समाधान है, यही तो बताना चाहता हूं। आपके हर एक समस्या का समाधान संविधान में है। तो आप कहीं भूल तो नहीं जाएंगे? किसको? अपने महापुरुषों को, समस्त महापुरुषों को, समस्त महापुरुषों को एक साथ व्यवस्थित सम्मानित ढंग से इस संविधान में स्थापित करके ये संविधान बना है। ये संविधान और कुछ नहीं, समस्त महापुरुषों के द्वारा किया गया संघर्ष, अलग अलग समय में, अलग अलग विषय पर, अलग अलग तरीका से जो संघर्ष किया गया, उसी को सबको एक साथ जोड़ करके तो भारत का संविधान लिखा गया। बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले जो संदेश दिया दुनिया को, भारत के संविधान के प्रियम्बल में दर्ज है। कबीरदास जी का बहुत बड़ा आंदोलन था देश में, क्या
कि कबीरदास जी दो लाइन में अपनी बात कहते थे, दो लाइन में। पहली लाइन में कोई बात बोलते थे और दूसरी लाइन में उसका प्रयोग करते थे। प्रयोगशाला था उनका, दूसरा लाइन प्रैक्टिकल करके बताते थे। ऐसा कवि वो महान कवि, वैज्ञानिक कवि, दुनिया का नंबर एक का कवि। आप जानते हैं कितने पढ़े लिखे थे वो? नहीं पढ़े लिखे थे, मसी कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो कबीरदास जी की खासियत क्या है कि वो तर्क में तर्क संगत बात करते थे, कोई भी बात विज्ञान सम्मत बात करते थे। अब उसकी बात संविधान के अनुच्छेद 51 क के कंडिका ज में लिखा गया क्या, समूचे भारतवासियों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा, ये कबीर को याद किया गया। रविदास जी का आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन देश में चला, रविदास जी की बात को लिखा गया संविधान के अनुच्छेद 38(2) में। क्या रविदास जी का आंदोलन था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, न छोटन बड़ो सब सम बसे, छोटन बड़ो सब सम बसे। और ये रविदास रहे प्रसन्न, यही उसका आंदोलन था। अनुच्छेद 38(2) में लिखा है कि राज्य आय की असमानता को, ये असमानता आय की आमदनी की संपत्ति के संबंध में, एक आदमी एक दिन में 100 कमाता है, दूसरा 1000 कमाता है, तीसरा 1,00,000 कमाता है, कोई करोड़ कमाता है, ये आय की असमानता है। संविधान का निर्देश क्या है, इसको कम करो। कैसे कम करोगे? ऊपर को थोड़ा नीचे उतारो, नीचे को थोड़ा ऊपर बढ़ाओ। ये संविधान का सिद्धांत है, बराबरी। आय की असमानता, एक कम कमाता है एक अधिक कमाता है, बीच के खाई लगातार बढ़ती जा रही है, ये गवर्नमेंट का आकलन है। अमीरी गरीबी का भेदभाव, बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, और संविधान क्या कहता है, इसको कम करो। ऐसा करो जैसा संविधान कहता है, ठीक उसके खिलाफ सरकार काम करती है। अब आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? आपको ये जानकारी नहीं है ना, संविधान के अनुच्छेद 38(2) की जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तो आप भी बोलेंगे, आप भी आवाज करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि ये संविधान का निर्देश है कि आय के असमानता को कम करो, इसको नीचे उतारो। नीचे नहीं उतारना, चलो ठीक है वहीं पे रखो, लेकिन इसको रोक के रखो। जब तक ये ऊपर ना आ जाए, उसकी लेवल में ना आ जाए, तब तक के रोक के रखो। हम इसकी संपत्ति पे लालच नहीं कर रहे, लेकिन इनको बढ़ने से कोई क्या रोकेगा। तो ये हमारा संविधान का सिद्धांत है। भारत का संविधान विश्व का अच्छा संविधान है, क्यों कैसे? उसके सिद्धांतों के अनुसार, उसकी न्याय प्रियता के अनुसार, इस देश के हरेक नागरिक के लिए न्याय का प्रबंध किया है। जो शरीर से अपंग है, कोर्ट नहीं जा सकता, उसके लिए भी व्यवस्था है। जो आर्थिक रूप से विपन्न है, उसके लिए भी व्यवस्था किया है। जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, उसके लिए भी प्रबंध किया है संविधान में। सबको न्याय देने की गारंटी देता है, सबको अधिकार देने की गारंटी देता है, सबको सम्मान देने की गारंटी देता है, ऐसा है भारत का संविधान। तो इस संविधान की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। संविधान के थोड़े थोड़े पालन होने की वजह से इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जिस दिन संविधान का ठीक ठीक पालन होगा, पूरा पूरा पालन होगा, तो हमारा स्थान बहुत ऊपर होगा। आप जानते हैं अभी एक बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, एक वो फैसला कब आया? हाँ, कौन सा तारीख है वो? 1 अगस्त। 1 अगस्त को जो फैसला आया, उस फैसला में ये कहा गया कि अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में भी क्रिमी लेयर लागू होगा और उपवर्गीकरण होगा। हम लोगों को ये बात रास नहीं आई, देश भर में इसके विरोध में बात खड़ी हो गई। अच्छी बात, उसका विरोध होना ही चाहिए,
लेकिन उसी से जुड़ा हुआ एक बात और है, उधर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्रीमी लेयर की बात कहां कौन सी व्यवस्था के तहत कर रहे हैं? संविधान के अनुच्छेद 16 के कंडिका 4, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अनुसूचित जाति के लोग देश में 15% जनसंख्या बनाते हैं तो नौकरी में 15% उसके हिस्सेदारी है। जनजाति के लोग देश में 7.5% जनसंख्या बनाते हैं तो नौकरी में 7.5% उसकी हिस्सेदारी है। तो वो हिस्सेदारी मिला कितना, 75 सालों में कितना मिला, वो फिलअप हो गया नहीं हुआ? तो जो 15% आपका उचित भागीदारी है, अधिकतम 7 या 8% पर आपका कब्जा है, बाकी का 7% कोई दूसरा खा रहा है, दूसरों का कब्जा है, अनुसूचित जाति का नहीं है। तो दूसरा कौन, आदिवासी जी नहीं, उसका हिस्सा 7.5% है, वो खुद 4% में पहुंचा है, उसका भी 3% गायब है। अनुसूचित जातियों का 7% गायब है, जनजातियों का 3% गायब है, तो कौन खा रहा है? पिछड़ी जात, पिछड़ा वर्ग के लोग। पिछड़ा वर्ग की तो स्थिति यह है कि 52% उसकी जनसंख्या है, आरक्षण या उचित भागीदारी उसको 27% मिला है, कब्जा 14% में है। ये लोग 52% के लोग अधिकतम 13 या 14% नौकरी में काबिज हैं, उनका 2/3 हिस्सा उनका खुद का गायब है, अनुसूचित जाति का आधा हिस्सा गायब है, अनुसूचित जनजाति का भी आधा हिस्सा गायब है। तो आप उसकी बात कर रहे हैं, उसको फिलअप करने की बात आप कर रहे हैं, तो क्रीमी लेयर से भी बड़ा नुकसान होगा, उपवर्गीकरण से भी बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ये बात तो तब कहना चाहिए जब आपने पूरे 15% फिलअप कर देते, उसके बाद कहते कि भाई देखो अमुक अमुक जाति के लोगों ने पूरे नौकरी पे काबिज कर लिए 15% पे, अब इनके लिए नहीं बचा तो इनको भी दिया जाए, उपवर्गीकरण करते, समझ में आता। लेकिन वो 7.5% अभी भी बचा के रखे हो, उसको दे जाओ ना उन लोगों को, नहीं दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़ा नुकसानी को हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? तो इसलिए कि उसकी अधिकृत जानकारी ना होने की वजह से हम मुंह नहीं खोलते। तो मेरा ऐसा कहना है कि इस देश के समस्त नागरिकों को मुंह खोलने की जरूरत है, संविधान पर बोलने की जरूरत है, क्योंकि संविधान के बगैर आप अधूरे हो। आप मुझे बताओ, इस देश में हजारों लाखों ग्रंथ हैं, कौन से ग्रंथ ने आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया? कौन से संविधान ने, संविधान को ग्रंथों के श्रेणी में आपने लेके रख दिया, है ना? संविधान ग्रंथ नहीं है, संविधान में ग्रंथों में कहानियां भरी होती है, ग्रंथों में कपोल कल्पित कहानियां, बेसिर पैर की भी बात, अवैज्ञानिक बात भी रहती है, संविधान में ऐसा नहीं है। ग्रंथ काल्पनिक भी होती है, संविधान काल्पनिक नहीं है, संविधान टोटल वैज्ञानिक है, विज्ञान सम्मत है, संविधान न्याय सम्मत है, संविधान भाईचारा पर आधारित है, संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है और संविधान समानतावादी है। कौन कौन सा ग्रंथ है समानतावादी, कौन कौन सा ग्रंथ न्यायवादी है, कौन कौन सा ग्रंथ मानवतावादी है, कौन कौन सा ग्रंथ सबको न्याय देने की व्यवस्था करता है? ढूंढोगे तो दिन में लालटेन लेके ढूंढोगे तो मिलना मुश्किल है, अगर बुद्ध उनका धम्म को छोड़ दिया जाए तो। तो इसलिए उन ग्रंथों के लेवल में संविधान नहीं है, संविधान सर्वोच्च नियमावली है, संविधान देश का रीति नीति को निर्धारण करने वाला है।
तो संविधान, भारत का संविधान, ये आपको सब कुछ देने की गारंटी देता है। क्या क्या संविधान से आपको मिलना है आपको पता है? मिला है नहीं मिला है वो बात अलग, लेकिन मेरा कहना यह है कि संविधान में ही आपका सारा अधिकार लिखा है। संविधान के बाहर तो एक भी अधिकार नहीं है, किसी में नहीं है। जो कुछ अधिकार है वो संविधान के भीतर है, और संविधान में जो अधिकार आपका दर्ज नहीं है वो अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। तो संविधान ने आपको कौन कौन सा अधिकार देने का वादा करता है या गारंटी देता है आपको पता है? नहीं। 75 साल में आपने अपने अधिकारों की भी पहचान नहीं कर पाया, कितने दुख की बात है। आपको वो अधिकार मिला हो नहीं मिला हो बात की बात है, लेकिन कम से कम आपकी जानकारी में तो रहना चाहिए कि कौन से खार का कौन सा खेत आपका है, जानकारी में होना चाहिए कि नहीं। ये संविधान क्या है? कबीरदास जी की वाणी है, रविदास जी की वाणी है, बिरसा मुंडा की वाणी है, अनुसूची 5 और 6। इसमें छत्रपति साहू जी महाराज का संघर्ष है संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 340। इसमें ज्योतिबा फुले का संघर्ष शामिल है संविधान के अनुच्छेद 21 का। सभी महापुरुष इसमें एक साथ विराजमान है। संविधान को पढ़ोगे तो सारे महापुरुष को एक साथ पढ़ते हो आप, वो है संविधान। तो उस संविधान में सभी महापुरुष मिल करके और देश की जनता मिल करके, देश के 389 विद्वान लोग मिल करके, जनप्रतिनिधि मिल करके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जिस संविधान को तैयार किए हैं उसमें आपका सारा अधिकार भरा पड़ा है। तो उन अधिकारों की पहचान आपने कर लिया? नहीं किया। तो आगे आपसे क्या बात करें हम? तो मैंने एक तरीका निकाला कि चलो भाई, हमारे लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है और ये संविधान को पूरा पढ़ के सारे अधिकार को ढूंढने में उनको बहुत समय लगेगा, ये तो 9 दिन चले 2.5 कोस भी नहीं चल रहे हैं। पूरा संविधान को पढ़ने वाले 2 से 3 नहीं है इतने लोगों में। तो मैंने क्या किया, इस संविधान में जितना भी अधिकार है, जिस किसी के लिए, महिलाओं के लिए अलग अधिकार है, एंग्लो इंडियन के लिए अलग अधिकार है, अनुसूचित जाति के लिए अलग हैं विशेषाधिकार हैं, समस्त नागरिकों के लिए विशेषाधिकार हैं, तो इन तमाम अधिकारों को एक जगह इकट्ठा करके ये छोटी सी किताब लिखा मैं। ठीक है, हमारे लोग सारे अधिकारों को नहीं पहचानते तो कम से कम उसकी जानकारी पॉकेट में लेके चलें, तो ये पॉकेट में लेके चलता हूँ, खोलता हूँ, जो कोई भी पेज खुल जाए उसी में आपका अधिकार लिखा है, किसी ने किसी का अधिकार लिखा है। ये संविधान प्रदत्त अधिकार से भरा हुआ है छोटी सी किताब, इसको पॉकेट में लेके चलो। अब हम मैं आपको कहूँ कि आप संविधान को पढ़ो, मैंने पूछा कि सपनों में किस किस ने पढ़ना, सपनों में भी नहीं, पढ़ने से भागते हैं हमारे लोग, बचना चाहते हैं संविधान को पढ़ने से, संविधान पर बहस करने के लिए बचना चाहते हैं। अभी हमारे एमएलए साहब मुख्य अतिथि जी क्या कह रहे थे, मैं संविधान की जानकारी नहीं रखता। आपने पूरे भारत के सामने सार्वजनिक रूप से शपथ खाया है कि मैं संविधान का पालन करूंगा, आपको याद हो या नहीं हो बात अलग है, तो बिना जाने कैसे पालन करोगे, सवाल तो बनता है। सबके यही हालात है, गिने चुने जनप्रतिनिधियों को छोड़ के बाकी सबके यही हालात है, सब ने शपथ खा रखी है संविधान पालन करने की। जितने कर्मचारी हैं देश में, पीयून से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक, सब ने शपथ खा रखी है। तो संविधान की जानकारी होनी चाहिए, तो जानकारी लेने से, उस पर बहस करने से, उस पर पढ़ने से हमारे लोग भागते हैं। तो मेरा भी जिद है कि तू भाग, जहां तक भाग सकता है तू डाल डाल, तो मैं पात पात। तो मैंने क्या किया, ये कैलेंडर बनाया, ये संविधान दर्शिका कैलेंडर। अब ये आपके दीवार में, आपके घर में, बरामदे में ये लगा रहेगा, दिन भर में 10 बार आपकी दोनों आंखें जाएंगी
एक आंखें बंद करके थोड़ी देखोगे आप, दोनों आंखें एक साथ देखेंगे। आपके यहां जो भी मेहमान आएगा वो सबके सबकी नजर पड़ेगी इसमें, तो आप नहीं भी पढ़ोगे लेकिन मेहमान आएगा तो आपको छोड़ेगा नहीं, वो पूछेगा ये क्या है, ये क्यों लिखा, क्या, उसका जवाब देने के लिए आपको मजबूरन पढ़ना पड़ेगा। तो तू ठीक है भाग, जहां तक भाग सकता है तू डाल तो मैं पात, अब मैं आपके दीवार में ये लगा रखूंगा, अब मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कब तक नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो ताली कहाँ गया, नहीं। तो साथियों, संविधान हमारे मान सम्मान का सजग प्रहरी है, संविधान सारे अधिकारों का सुरक्षा कवच है, संविधान हमारी सभी समस्याओं का समाधान है, संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत है, संविधान ऑल इन वन है जी, सब कुछ है हमारे लिए। तो मैं आप लोगों से अपील करने आया हूँ कि आपके लिए ये संविधान में कुछ कुछ है क्या, कुछ कुछ आप जानते हैं इस संविधान में जो आपके लिए है। मैं देखता हूं तो मैं कुछ कुछ है ये पाया, उसके बाद और पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें तो बहुत कुछ है, और पढ़ते गया तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें सब कुछ है। आप कहां तक रुके हो, ठीक है ना डायलॉग। मैं पढ़ते गया तो पहले मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए कुछ कुछ है, मुझे पता चला जिसका जिक्र किया मैं, और पढ़ा तो और पता चला कि इसमें मेरे लिए बहुत कुछ है। आप सबके लिए बहुत कुछ है, और अब तो इस मुकाम पे मैं पहुंच गया हूं कि सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ है, और उसको आप पढ़ते नहीं, उसकी आप बात नहीं करते। तो मैं पूरे भारतवासियों से अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम, क्योंकि सुन आप रहे हैं, पूरे भारतवासियों से अपील करना चाहता हूं कि जित देखो तित संविधान खड़ा कर दो, जिधर देखो उधर संविधान खड़ा कर दो, तो क्या होगा, संविधान विरोधी ताकत पस्त हो जाएगा। सूरज उदय होता है तो अंधकार खत्म हो जाता है, प्रकाश आने पे अंधकार खत्म हो जाता है, हमारे महापुरुषों के सिद्धांत है, दर्शन है, वही संविधान में संविधान का दर्शन है। हमारे महापुरुषों ने क्या कहा, स्वाभिमानी बनो, स्वाभिमानी बनने के लिए सलाह दी महापुरुषों ने क्या, अत्त दीपा भव अत्ता ही अत्तनो नाथो, आप खुद अपने मालिक बनो, खुद अपने दीपक बनो। ये नहीं कहा तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, किसी के सहारे नहीं रहे। हमने क्या कहा, अत्त दीपा भव, अब दीपक बन जाओगे, प्रकाशमान हो जाओगे तो अंधकार तो दूर हो ही जाएगा ना, अंधकार के लिए अलग से लाठी डंडा लेके लड़ना नहीं पड़ता, प्रकाश पैदा होता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। तो ये मैसेज आया, ये संदेश है। तो संविधान क्या है, सच्ची और अच्छी बातों का संग्रह है, सच्ची बात और अच्छी बात इसका संग्रह है पूरा। तो ये सच्ची और अच्छी बात आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार दुनिया से आगे निकलने वाला है, लील दिया देश को, अन्याय अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, लूट खसोट बढ़ते जा रहे हैं, मानवता तार तार हो रही है, इंसानियत का अता पता नहीं है, विश्वास एक दूसरे के ऊपर नाम मात्र की चीज रह गई है, और इसका सरकार नेतृत्व तो कर रही है, झूठ बोलने का, भ्रष्टाचार करने का, और इसका नेतृत्व स्वयं सरकार करने लगी, इस हालात में पहुंच गए। तो मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, ऐसे स्थिति में संविधान ही हमारा सहारा है, संविधान नैतिकता का संदेश देता है, संविधान भाईचारा का संदेश देता है, संविधान समानता का संदेश देता है, संविधान मानवता का संदेश देता है, और संविधान राष्ट्रहित की बात करता है। आप संविधान की बात करें तो आप देश की बात कर रहे हैं, आप अपने घर की बात नहीं कर रहे। आदमी का स्टेटस छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मैंने इसका काम करते हुए अनुभव किया है। 2005 में रायगढ़ में पहला संगोष्ठी किया संविधान पर,
तो आप जानते हैं मेरा चीफ गेस्ट कौन था? कलकत्ता हाई कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस चीफ गेस्ट थे, रिटायर्ड थे, बिलासपुर में रहते थे। मुझे मालूम था, मैं वहां गया, निवेदन किया, सर मैं संविधान पर संगोष्ठी कर रहा हूं। मैं कोई शान बान ठाट बाट के साथ नहीं गया था, सिंपल सा गया था, एक ही आदमी गया था, एक निवेदन से, सर आप इसका चीफ गेस्ट होना स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया उन्होंने, एक मिनट नहीं लगा स्वीकार करने में। ये संविधान की ताकत थी, मेरी नहीं, ये संविधान की ताकत थी। तो संविधान की बात आप कर रहे हैं तो आप राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, ये संविधान की ताकत है। तो ऐसे संविधान का राज होना चाहिए भारत में, संविधानवाद कायम होना चाहिए, हाँ कि ना? अच्छा, नहीं बोलने का कोई शपथ उपथ तो नहीं ले रखा है आप लोगों ने? तो इस संविधान की बात को जन जन तक लेके जाना है, हर एक जुबान में, हर एक जुबान को खुलवाना है संविधान के विषय में। अभी नहीं खोलते कोई, अभी संविधान पर नहीं बोलते, मुंह खुले तो पता चले कि आप संविधान के समर्थक हो कि विरोधी हो। मैं नहीं जानता आप लोगों में से कौन कौन संविधान समर्थक हैं, कौन कौन विरोधी हैं, मेरी को नहीं मालूम मेरे को अभी। क्यों? आप मुंह खोलोगे, बात करोगे, तब तो पता चलेगा। तो एक काम तो हम कर ही सकते हैं, इस देश के तमाम लोगों को संविधान के विषय में बोलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? अब जब वो बोलेगा तो पता चलेगा कि वो संविधान का समर्थन करता है कि विरोध करता है। तो साथियों, हम संविधान की बात को लेके जा रहे हैं, ये हीरक जयंती मना रहे हैं हम, पूरे 75 स्थानों पर हीरक जयंती मनाएंगे। और मुझे मालूम हुआ है कि हमारे इस निर्णय को देख करके देश में और कई कई संस्थाएं हीरक जयंती मनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी खुद की समझदारी होगी, हमको ही देख के कर रहे हैं, ऐसा मानना नहीं हमारा। तो हीरक जयंती, संविधान की हीरक जयंती, अरे गहरे चीज का जयंती मनाने वाला देश संविधान की रजत जयंती नहीं मनाया? आपने स्वर्ण जयंती नहीं मनाया? जिसको संविधान से एलर्जी है, नफरत है, वो नहीं मनाया, वो समझ में आता है। आपको क्या हो गया था? आप तो अंबेडकरवादी हैं, आप तो संविधानवादी हैं, आपने क्यों नहीं मनाया? मैं क्या जवाब लेने, मैं अकेले आया हूं बहुत दूर से, मैं क्या जवाब तलब करूंगा आपसे? आप अपने आप को जवाब दीजिए। हमारे आयोजक महोदय ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर रखेंगे यहां, मैं कहा कि नहीं, मैं कहा कि नहीं। क्यों? मुझे हिम्मत नहीं पड़ता बोलने के लिए उसके सामने। मैं क्या जवाब दूंगा अंबेडकर को? आपको मालूम है कितने झंझावातों से होते होते अंबेडकर जी ने समाज के काम को आगे बढ़ाया? आपको मालूम है अंबेडकर ने जाते जाते ये कहा कि मेरा ये शरीर का अंत हो जाएगा तो ऐसा मत समझना कि मैं खत्म हो गया, मैं जिंदा रहूंगा, मैं जिंदा रहूंगा संविधान के रूप में। ये अंबेडकर ही हैं भारत का संविधान। और जहां कहीं भी आपने अंबेडकर की तस्वीर देखी है या मूर्ति देखी है तो वो संविधान को पकड़े हुए हैं। अब आप उसके अनुयायी हैं, आप संविधान को पकड़ते हैं? आप जिधर जाते हैं उधर आपके साथ में संविधान की किताब होती है? नहीं। तो आप संविधान की मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं, माला चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, आप संविधान की किताब को पढ़ते नहीं। अंबेडकर की मूर्ति लेकर के पूजा कर लेते हैं लेकिन अंबेडकर की लिखी संविधान को पढ़ते नहीं। और अंबेडकर जी विगत 1956 से लेकर के अभी तक के संविधान की किताब को खड़े खड़े मूर्ति बन गए, गांव गांव, गली गली, चौक चौराहों में, फिर भी आपने कभी जरूरत महसूस नहीं की कि अरे वो अंबेडकर जी हैं, किताब लिखे हैं और उसको हमें खोल के पढ़ना चाहिए। यह जानते हुए भी कि आपका सारा अधिकार इसमें लिखा है, यह भी जानते हुए कि इसको अंबेडकर ने लिखा है,
यह भी जानते हुए कि यह विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, उसके बावजूद भी आपने खोल के एक बार भी नहीं देखा। मैं क्या समझूं इस बात को? मैं कुछ समझूं या ना समझूं, आप क्या समझेंगे आप जाने। तो मैं डरता हूं, अम्बेडकर जी अगर कह दें अरे हमने तुम्हारे लिए कुछ अधिकार लिखा था संविधान में, संविधान ये क्या है? वसीयतनामा है, हमारे तमाम महापुरुषों का वसीयतनामा है, इसमें आपका अधिकार लिखा हुआ है। इस गांव की बस्ती की कौन कौन सा खेत आपके पूर्वज का है, आपके नाम का है, वो लिखा हुआ है। इस देश की कौन कौन सा सीट आपके नाम का है, वो लिखा हुआ है। इस देश का कौन कौन सा वस्तु सामान आपके हक का है, वो सब लिखा हुआ है, ये वसीयतनामा है आपका। तो अम्बेडकर ने आपके हक में लिखा है, जब कभी भी किसी जगह वो जिंदा है संविधान के रूप में, मुलाकात तो हो जाएगी किसी भी मोड़ में, तो मुलाकात होगी तो उनकी नजरें तो हमसे पूछेगी मैंने तेरे लिए जो लिखा था उसको हासिल कर लिया, उसको पढ़ लिया, क्या जवाब होगा मेरा? तो मैं डरता हूं, उनके अधूरे कार्य को हमने आगे नहीं बढ़ाया, उसके द्वारा हमारे लिए जो बात कही गई है उसका पालन नहीं किया, तो मुझे डर लगता है वो मिलेंगे तो पूछेंगे किसी का आप उधारी खाए हो, आप डरते रहते हो कि वो आदमी रास्ता में मिल ना जाए, और जब मिलेगा तो रास्ता बदल करके हमको भागना पड़ता है, वही हालात है हमारी। अच्छा हुआ आप नहीं डरते, क्योंकि आपके पास उसका जवाब होगा, मेरे पास जवाब नहीं है तो मैं डरता हूं। तो साथियों, एक भाव को मैं व्यक्त कर रहा हूं, अम्बेडकर संविधान, आप अम्बेडकर भारत के संविधान की बात कीजिए किसी भी जगह, सीधा सीधा आपको कहेंगे कि अम्बेडकरवादी है। आप संविधान का नाम लेंगे तो अम्बेडकरवादी का आपके ऊपर अम्बेडकरवादी आपको थोप देंगे, अच्छी बात है आप हैं अम्बेडकरवादी, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब वो अम्बेडकर का नाम लेता है तब आप भारत का संविधान क्यों नहीं कहते? आप अम्बेडकर कहते, आप संविधान कहते हो तो वो अम्बेडकर तक पहुंच जाता है, अब वो जब अम्बेडकर कहता है तो आप संविधान तक क्यों नहीं पहुंचते? पहुंचना चाहिए कि नहीं? तो ये हम में कमी है। तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी कमी को दूर करें, जब जागे तभी सवेरा, 75 वर्ष हो गया, ठीक है सरकार ने इसकी रजत जयंती नहीं मनाई, सरकार ने इसकी स्वर्ण जयंती नहीं मनाई, हम तो मना सकते हैं। आप इसकी रजत जयंती मनाओगे, स्वर्ण जयंती मनाओगे तो आपको कौन रोकेगा? आप घर घर में संविधान को पढ़ाई करोगे तो आपको कौन रोकेगा? अभी हम ये सामूहिक रूप से एक स्वर से संविधान को पढ़े तो हमको कौन रोका? कल इसी को पूरे देश के हर गांव में शुरू कर देंगे तो कौन रोकेगा? खुश हो जाएगा ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो पुतिन खुश हो जाएंगे, वो नेल्सन मंडेला खुश हो जाते, वो शिंजो आबे खुश हो जाएंगे। क्यों खुश होंगे? अरे जब भी भारत में आए तो इसी संविधान का तो उन्होंने गुणगान किया, इसकी सराहना किया, और जब उनको पता चलेगा, अभी हम सार्वजनिक रूप से पढ़ रहे थे, सामूहिक रूप से, उस समय लोग उसको मोबाइल में ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, वो भेज दिए होंगे ओबामा जी को, वो खुशी में नाच उठे होंगे, वायरल कर दिए ना उन लोगों ने। तो वो सात समुंदर पार के लोग आपके संविधान को आपके देश में आकर के सराहना कर रहे हैं, आप मुंह नहीं खोल रहे हो, क्या बात है भैया, बड़ी अजीब बात। तो भारत के संविधान जो इस देश के समस्त रीति नीति इत्यादि तमाम चीजों को अनुशासित करता है, उसी के नियंत्रण में रहना है, वो संविधान आपके पास है, आपका स्वाभिमान का सजग प्रहरी है। तो ऐसे संविधान को आप लेके चले जाओ, जन जन तक लेके चले जाओ। संविधान की बात करना, देश की बात करना है। कैसे? तो मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा। इस देश में एक संविधान चैनल चलना चाहिए, चलना चाहिए हाँ कि ना? तो और दूसरा मेरा कहना है कि इस देश में संविधान पर पिक्चर भी बनना चाहिए, संविधान को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
संविधान दिवस आवश्यक रूप से देश में मनाया जाए, इसको मान लिया सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको मान लिया 2015 में। और राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर संविधान पर आधारित देश भर में कार्यक्रम होना चाहिए। यह मैंने चिट्ठी लिखा देश के समस्त मुख्यमंत्री, समस्त राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा 2004 में कि ऐसा होना चाहिए। अब उन्होंने नहीं किया तो मैं पब्लिक मुखी किया इस बात को कि अपने लोगों से चल के निवेदन किया जाए, शायद आप लोग कर लें। ठीक है, सरकार ने नहीं किया, आप तो कर सकते हो, सब मिलजुल करके एक चैनल चला सकते हो, आप जो प्राइवेट संस्था चला रहे हैं उसमें संविधान को पढ़ा सकते हो, आप पिक्चर भी बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि संविधान जितना आगे बढ़ेगा साथ साथ में आप भी आगे बढ़ेंगे। इंडिया संविधान पढ़ेगा तो जागेगा। तो ये भारत का संविधान है और इस संविधान की कुछ कुछ पालन होने की वजह से इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं। अगर ठीक ठीक पालन होगा तो हम बहुत दूर, बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। इसका आकलन करना आपका काम है। तो फिलहाल संविधान की बात ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हमने कुछ तौर तरीका बनाया। ये समाज देश का मूल निवासी संविधान का समर्थक है, संविधान के प्रति बेहद श्रद्धा रखता है, निष्ठा रखता है, लगाव रखता है, पर कार्यक्रम कुछ नहीं करता, कोई कार्यक्रम नहीं संविधान पर। तो मैंने ऐसे सोचा कि जो समाज संविधान पर इतना ज़्यादा लगाव रखता है, श्रद्धा रखता है, निष्ठा रखता है, कार्यक्रम क्यों नहीं करता, किसी के पास कोई कार्यक्रम नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उनके पास कार्यक्रम करे तो क्या करे। तो हमने बहुत सारा कार्यक्रम दिया, वो आप ही के पास पीछे है वो कार्यक्रम, कि हमने 3 दिन का संविधान मेला करते हैं। हमारे ये तमाम साथी उस संविधान मेला में शरीक हुए थे। आप अमरावती से आए हैं, आपके यहाँ मोर्सी में संविधान मेला 3 दिन का हुआ महाराष्ट्र में। आप यहाँ लांजी में आप लोग शामिल हुए थे, लांजी में संविधान मेला हुआ। 14 संविधान मेला हो गए 3 दिन के लिए करते, रात और दिन संविधान की बात करते। हम 40 संविधान पाठशाला चलाते हैं, हजारों पाठशालाएं चलाएं। हम ऑनलाइन पाठशाला चलाते हैं, 4-8 पाठशाला रोज के संबोधन करता हूं आधा आधा घंटा के लिए। हमारी पाठशाला को 1487 दिन हो गए आज। उस पाठशाला में शामिल होने वाले कई प्रतिभागी यहाँ पर बैठे हैं। पुष्पा पटेल मैडम है, उपनारे मैडम है और कई 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 प्रतिभागी हैं। उसके बाद दूसरी पाठशाला में आता हूँ, फिर तीसरी पाठशाला में जाता हूँ, चौथी पाठशाला में जाता हूँ, रोज के यही काम में है हमारा। संविधानवाद स्थापित करना भारत में, संविधानवाद स्थापित करना ही अम्बेडकरवाद की स्थापना है, यही मानवतावाद है। अगर मैं ये बात अम्बेडकर के माध्यम से कहूँ तो बहुत से लोग अनसुना करेंगे जो अम्बेडकर से एलर्जी रखते हैं, लेकिन संविधान के माध्यम से कहूँ तो वो न्यायपालिका भी मानने के लिए बाध्य है, शासन सरकार भी मानने के लिए बाध्य है, पुलिस भी मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि संविधान को मानने के लिए बाध्यता है, अम्बेडकर को मानने के लिए बाध्य नहीं है वो। तो जो अम्बेडकर को पसंद नहीं करते वो आपकी बात का समर्थन नहीं करते, लेकिन वही बात अगर संविधान के थ्रू आप कहते हैं तो उसकी मजबूरी हो जाती है। तो ये लगाम का काम करता है। संविधान से हम हर किसी को नियंत्रित कर सकते हैं, अनुशासित कर सकते हैं, ठिकाने लगा सकते हैं, सही रास्ते पे ला सकते हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे पुलिस बल हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, संविधान के द्वारा। तो ये ताकत आपके पास है, आप कैसा इस्तेमाल करेंगे, कैसा उपयोग करेंगे आप जाने, ये आपकी सूझबूझ की वहाँ पर ज़रूरत है। अब मेरा तो ये मानना है कि संविधान में
आपके तमाम उद्देश्य प्राप्ति का सबसे सस्ता, सरल, सुगम और सर्वोत्तम साधन है। संविधान साधन है जी, तमाम उद्देश्य प्राप्ति का सबसे सस्ता, सरल, सुगम और सर्वोत्तम साधन है। आपके क्या क्या उद्देश्य हैं? जाति भेद खत्म करना, धर्मांधता खत्म करना, अंधविश्वास मिटाना, उचित प्रतिनिधित्व हासिल करना, अन्याय अत्याचार रोकना, ये आपके उद्देश्य हैं। उस उद्देश्य पूर्ति के लिए सबसे सस्ता, सुगम, सरल साधन तो संविधान है। और फिर आप कहेंगे कि हमको सभी समस्या का समाधान करना है, तो उसके लिए सत्ता को भी हाथ में लेना है। तो सत्ता प्राप्ति का सबसे शॉर्टकट मार्ग है संविधान। संविधान का बड़े पैमाने पर प्रयोग करके आप सत्ता को, जो 2200 सालों से आपने सत्ता खोया हुआ है, आपका अंतिम सत्ता ईसा पूर्व 183 साल पहले थी, सम्राट बृहदत्त के समय, उस सत्ता को आप 22 महीनों के कोशिश से पुनः हासिल कर सकते हैं। वो साधन, वो ताकत, वो शॉर्टकट मार्ग ये भारत का संविधान है। अब आप इसको पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, आप जाने। मैंने आपको ये बताया कि ये है भारत का संविधान, और भारत देश का सबसे बड़ा विषय, इंटरनेशनल विषय, प्रतिनिधिक विषय, उस विषय पर एक दिन एक घंटा आके स्पीच कर देने से सारी बात बता लेंगे क्या? इसको बताने के लिए कई कई महीने, कई कई वर्ष चाहिए। तो मैंने आप में इसके प्रति एक लगाव उत्पन्न किया है, एक जिज्ञासा उत्पन्न किया है, एक सवाल उत्पन्न किया है। जब तक आपके पास सवाल नहीं होगा तो उत्तर भी आपको नहीं मिलेगा। उत्तर सवाल के पीछे पीछे भागता है। वो आदमी एक गवैया आदमी पेट भर बासी खाया, बासी जानते हैं आप लोग, बासी खा के गर्मी के दिन में अमरिया में जाके सोया हुआ था, ऊपर से एक आम टपका उठा के खा लेते, आप हम होते तो बात खत्म हो जाती। उन्होंने उठा तो लिया, खाया नहीं, सोचने लगा कि इधर क्यों आया, इधर खाली उधर खाली चारों तरफ खाली है तो नीचे ही क्यों आया, एक सवाल उत्पन्न हुआ। ये घटना तो पहले भी होती रही, हजारों साल तक होती रही, लाखों लोगों के सामने आम टपकते रहे, आम गिरते रहे, उठा उठा के खाते रहे, ये सवाल किसी ने नहीं किया, उस आदमी ने किया। सवाल आया तो उत्तर मिला, उसको पता चला कि धरती में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, वही खींच लाता है। तो मेरा भी सवाल है कि जो लोग संविधान पालन करने की शपथ लेते हैं, देश के सभी जनप्रतिनिधि, वो संविधान की जानकारी रखते हैं नहीं रखते? तो पहली मर्तबा तो वो जानकारी रखे, इसकी व्यवस्था देश में की जाए, और दूसरी मर्तबा वो संविधान का पालन करे, और ऐसा करने के लिए वो बाध्य है। तो संक्षिप्त रूप में मैंने आपको संविधान को परिभाषित करने की कोशिश किया। जो संविधान में मैं देख पाता हूँ वो चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। संविधान मेरे जन्म लेने के पहले से बन के तैयार है, मैंने कुछ उसमें भरा नहीं, संविधान के भीतर जो है उसी को देखा, उसी को समझा, और वही बात आपसे शेयर किया। तो ये संविधान में ये सभी समस्याओं का समाधान दिया हुआ है। गरीबी दूर करना है, उपाय लिखा है अनुच्छेद 39, छुआछूत जाति भेद खत्म करना है, संविधान के अनुच्छेद 15 और 17 में लिखा है उपाय। अन्याय अत्याचार रोकना है तो संविधान के अनुच्छेद 46 में उपाय लिखा है। राजपाट पाना है उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 326 में और 324 में उपाय लिखा है। तमाम उपाय लिखा हुआ है संविधान में। तो संविधान हमारे लिए ऑल इन वन है, हर समस्या का समाधान है, हर बात का जवाब है। तो ऐसे संविधान के विषय में आपको चिंतन मनन करने की जरूरत पड़ेगी। अभी हमने छलांग लगाया, क्या संविधान की रक्षा करने के लिए आगे आ गए, मैदाने जंग लड़ने को तैयार हो गया? तो मैं कहता हूँ कि संविधान अभी तक तो सुरक्षित था ना 75 वर्षों तक, क्योंकि इसके पहले तो रक्षा के लिए आपने उपाय नहीं किया।
तो जैसे सुरक्षित 75 वर्षों तक रहा है, वैसे 100 साल तक और सुरक्षित होगा तो आप कितना लाभ पाएंगे? लाभ नहीं मिलेगा आपको। लाभ तो तभी मिलेगा जब उसका पालन होगा, अमल में लाएंगे और सुरक्षित रहेगा तो आपकी उम्मीद बनी रहेगी कि चलो संविधान सुरक्षित है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी उसका लाभ मिलेगा। आप में उम्मीद बनी रहेगी, मिलेगा नहीं अभी, उम्मीद बनी रहेगी। मेरा कहना ये है, एक बार संविधान का पालन करा लीजिए, एक बार आप पालन करा लो। आज जो ढांचा है, सामाजिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा, आर्थिक ढांचा, धार्मिक ढांचा, ये ढांचा ऐसा नहीं रहेगा, ये ढांचा ऐसा हो जाएगा। क्योंकि संविधान यही चाहता है, समानता चाहता है। एक बार पालन करा लो तो ये ऐसा हो जाएगा, उसके बाद तो संविधान नहीं भी रहेगा तो पर भी बहुत दूर तक आप जा सकते हैं। और संविधान का पालन नहीं हो रहा है तो आगे 100 साल 1000 साल तक आप सुरक्षित रख भी लोगे तो पर भी आपको क्या फायदा होने का है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षित ना रखो, सुरक्षित तो रखना है, लेकिन उसकी बात बता रहा हूं मैं। तो हमको जिस बात की जरूरत है, संविधान का पालन कराने का, संविधान पालन कराने की बात पब्लिक डोमेन में नहीं है, अभी लोगों की जुबान में नहीं है। छलांग लगा करके संविधान रक्षा की बात आ गई, अब आपको कैसे पता चलेगा कि संविधान को यहाँ पर खतरा है, ये संविधान के खिलाफ में काम हो रहा है, ये संविधान के समर्थन में हो रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? यहाँ मुश्किल है। जब तक आप संविधान को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरा कहना ये है, पहले आप संविधान के बारे में अधिकृत जानकारी हासिल कीजिए, तब ये सारा काम बनेगा। तो संविधान का पालन कराना हमारे लिए सबसे पहली जरूरी है। पालन कराने की दिशा में आपने क्या किया? नहीं किया कुछ। तो संविधान पालन की बात हमारे देश में अभी तक उठी नहीं। देश के किसी भी कोने से संविधान पालन होना चाहिए ऐसा आवाज बुलंद नहीं हुआ। संविधान का उल्लंघन हो रहा है प्रायः प्रायः सबके जुबान पर है। वो उल्लंघन कर रहा है कोई करने वाला, तो आप पालन कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आप पालन कराने की बात करें तो एक तरफ उल्लंघन, दूसरे तरफ पालन, ये दोनों शब्द टकराएंगे, लड़ेंगे, तो आपकी जीत होगी। लेकिन आपका शब्द तो घर में ही है, घर से निकला नहीं, कैसे लड़ेगा? तो ये संविधान का सिद्धांत है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि संविधान में सभी सच्ची और अच्छी बातें कूट कूट के भरी हुई है। उसमें मानवता है, समानता है, भाईचारा है, न्याय है, बंधुता है, ये सभी कूट कूट के भरे हुए हैं। पर उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, उसका पालन नहीं हुआ, उसकी जानकारी नहीं हुई, उस पर बोलने वाला कोई नहीं हुआ, तो वो जहाँ है जैसा है वहीं जंग खाए पड़ा हुआ है 75 सालों से। आप लोगों से अपील है, आज आपके लिए सूर्योदय हुआ है, सवेरा हुआ है, तो भले ही देर से जागे हैं लेकिन जाग तो गए हैं। और मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आप लोग लंबे समय से बैठे हैं, बड़ी संख्या में बैठे हैं और बड़ी गंभीरता पूर्वक सुन रहे हैं। संचालक महोदय ने समय को बांधे रखा, साथ साथ आप सबको बांधे रखा, साथ साथ आपके विचारों को नियंत्रित किया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने मैं तो आप लोगों को संविधान की जानकारी देने के लिए आया था, मैं बोल करके जो कुछ जानकारी दिया, लेकिन आप लोगों ने बिना बोले बड़ी संख्या में शांतिपूर्वक बैठ करके सुन करके जो मुझे प्रेरित किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और ये तो शुरुआत है, आगे हम लगातार संविधान मेला करेंगे, संविधान के हीरक जयंती का आयोजन करेंगे जैसा ये हुआ।
तो ऐसा सैकड़ों जगह आप आयोजन कर सकते हैं, जगह जगह करते रहेंगे और जित देखूं तित संविधान देश में खड़ा करेंगे तो संविधान विरोधी ताकत अपने आप में कमज़ोर पड़ जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, भारत का संविधान जिंदाबाद।